बलराम जी, जैसे कि ये ध्यान मुद्रा होती है, मैं भी मेडिटेशन करते टाइम ये मुद्रा में देखती हूँ, तो आप इसके बारे में मुझे कुछ बताइए कि इसके और हम क्या क्या फायदे मिलते हैं। देखिए, ये जो पहले उंगली है ना, ये वायु तत्व को रिप्रेजेंट करती है जी, और वायु मन ही होता है। ओके, राइट, चले बातें चले चित्त जी। तो जब हम अपने मन को स्थिर रखना चाहते हैं, वायु को कंट्रोल में करना चाहते हैं, तो अंगूठे को पहली उंगली के साथ टच करते हैं, राइट, बाकी की तीनों उंगलियां सीधी और रिलैक्स करते रहते हैं, टाइट नहीं, राइट। अभी जैसे ही मुद्रा बनाई है, तो यहाँ पर हमारा मेन पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, मास्टर ग्लैंड, जो पूरी बॉडी के सारे ग्लैंड्स के सीक्रेशंस को बैलेंस करता है। ओके, राइट। अभी जैसे इस मुद्रा को बनाते हैं ना, तो क्या होता है, मेरा ये चक्र आज्ञा चक्र एक्टिवेट होता है। आज्ञा चक्र इज द सेंटर ऑफ विजडम, टू विजडम, सत्य ज्ञान की प्राप्ति यहाँ से होती है, देखो बुद्धि यहाँ से मिलती है जी। ये जैसे ही लगाओगे तो ये है ना मुद्रा, ये चक्र एक्टिवेट होते ही है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड ये यहाँ नहीं दिखता ब्रेन को, जहाँ कॉन्सेंट्रेशन सेंटर है, यहाँ पर मेमोरी पावर है, यहाँ पर निद्रा का सेंटर है, स्लीपिंग सेंटर। तो जिनको भी अनिद्रा की कोई तकलीफ है, 45 मिनट अगर मुद्रा को किया जाए, तो जो लोग नींद को सोने के लिए जो यूज करते हैं टेबलेट्स को नींद आने के लिए, उससे भी छुटकारा मिल सकता है। 45 मिनट लगातार मुद्रा को किया जाए, इसके इतने फायदे होते हैं मेडिटेशन के दौरान। इसको मेडिटेशन मुद्रा भी कहते हैं, मेडिटेशन में मन न भटके इसलिए मुद्रा मेडिटेशन, मेडिटेटिव मुद्रा भी इसको कहा जाता है। अब मैंने एक बहुत दो फायदे अच्छे बताता हूँ, छोटे बच्चे भी कहा भी जाता है मन जीते जगत जीत, वेरी ट्रू। देखिए, इस मैं आपको बताऊँ कि इसे इस मुद्रा को लगाते हैं तो हमारे हाथों की लकीरों में बुद्धि की रेखा विकसित होती है। अरे वाह। उसके अलावा जी मैं आपको बताऊँ, मतलब बच्चों को तो फिर हमको ये करवाना ही चाहिए। बिल्कुल, देखो ये ना, ये देखिए, ये है ना वीनस पर्वत है जी, ये वीनस ओके। है ना जी, ये जिसका जितना ज्यादा उभरा हुआ होता है ना, वो व्यक्ति, जैसे आपका भी उभरा हुआ जी, वो व्यक्ति काफी मतलब प्रभावशाली और प्रतिभाशाली व्यक्ति तो होता है। ओके, लेकिन कुछ लोग जो बच्चे जो डल होते हैं ना, रोज अगर ये बड़े बड़े मुद्रा को करेंगे ना, उनकी बुद्धि की रेखा विकसित होने के साथ ही साथ ये वीनस पर्वत जैसे ही देखिए, ज्ञान मुद्रा उन मुद्राओं में से है जहाँ पर समय की कोई पाबंदी नहीं है। जितना ज्यादा आप करोगे ना, देखिए मन इंसान काफी से बैठा है, व्यक्ति बहुत अशांत है आज, किसी कारणवश बहुत अपसेट है, आप एक हाथ से काम कर रहे हैं, एक हाथ से मुझे मुद्रा लगा, एक हाथ से मुद्रा भी लगा रहा, तो आपके मन को शांति मिलेगी। ओके, मतलब यहाँ पे आप एक हाथ से काम भी कर सकते हैं और वहाँ से हमें पावर भी मिलती जाएगी। वेरी ट्रू। जैसे ही तत्व बैलेंस होगा ना, जिससे क्या है मन में स्थिरता आती है जी, उसके अलावा मन की एकाग्रता बढ़ती है। अच्छा। मन जब विचलित होता है ना, तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन पावर एकाग्रता बिल्कुल चली जाती है। लेकिन मुद्रा जैसे ही लगाओगे ना, आपके अंदर जो स्टेबिलिटी आती है, ये चक्र विकसित होता है, फिर ब्रेन में एनर्जी आती है, तो सारी की जो मेंटल फैकल्टीज है, जैसे मेमोरी पावर है, याददाश्त शक्ति है, या फिर मतलब स्लीपिंग सेंटर के, जैसे एक एज के साथ साथ हमारी याददाश्त भी कम होने लग जाती है। हाँ। जैसे कि आजकल नॉर्मली बहुत ज्यादा ये चीज पाई जा रही है कि जैसे मतलब एक एज ज्यादा होती जाती है, तो हमारी मेमोरी भी जो है वो मेमोरी लॉस होती जाती है, तो ये उसमें भी इफेक्ट बहुत अच्छा होती है। बहुत ज्यादा, बिल्कुल।